वृत्ति मापन का। यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक वृत्त बना है, अगर मैं इस वृत्त को काटना चाहूँ तो कितने तरीके से काट सकते हैं। किसी वृत्त को जितने तरीके से काटते हैं उतने ही तरीके के खंड बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई? खंड। तो इस वृत्त को अगर मैं काटना चाहूँ तो दो तरीके से काट सकता हूँ। एक तो जीवा द्वारा काट सकता हूँ, यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। परधि को दो बिंदु, परधि पर दो बिंदु ले लो, इसको मिलाने में रेखा कहलाती है, जीवा कहलाती है। जीवा द्वारा अगर वृत्त को दो भागों में बट रहा है तो क्या बनता है? वृत्त खंड बनेगा मेरे भाई। क्या बनेगा? वृत्त खंड। इससे भी हमको इस चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जीवा है, इस जीवा से इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक तिहाई वाला, एक तिहाई वाला। तो ये छोटा है इसीलिए इसे लघु वृत्त कहेंगे, है बड़ा है इसीलिए इसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। एक वृत्त में और यहाँ लेता हूँ, ये हमारा वृत्त हो गया, इसका एक सेंटर होगा। अब देखिए, एक तो हम जीवा द्वारा बांट दिए थे, एक त्रिज्या द्वारा भी हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ देखिए दो त्रिज्या हमने खींच दी। अब देखिए ये एक छोटा सा पार्ट निकल गया, अगर इसमें काट देता, मान लो ये केक है, केक से इसे चाकू से इसे काट दूं, काट के इस पार्ट को निकाल दूं तो ये ऐसे कट जाएगा। तो अगर त्रिज्या द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई? त्रिज्या द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटे। आप देखिए ये छोटा वाला पार्ट है और ये बड़ा वाला पार्ट है। तो जब त्रिज्या द्वारा वृत्त दो खंडों में बांटता है उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। तो इसमें ये छोटा है तो लघु त्रिज्य खंड, ये बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। अगर मुझसे ये छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलवाए तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बना रहा होगा जरूर। ये त्रिज्य खंड इसके सेंटर पे कुछ ना एंगल बना रहा होगा, मान लीजिए थीटा का एंगल बना रहा है। तो इसके सेंटर पे ये पूरा जो एरिया होगा, इस वृत्त का जितना पूरा एरिया होगा सेंटर पे कितना कोण बनाएगा? 360 का। तो हम कह सकते हैं जो 360 का एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? पाई आर स्क्वायर पे बन रहा है। जो भी यूनिट रहेगा आर का वही उसका मात्रक हो जाएगा। तो यूनिट के स्क्वायर के बराबर, हाँ, इतना एरिया कवर कर रहा है 360। एक डिग्री कवर करेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 पे। थीटा डिग्री कवर करेगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणता थीटा। ये फार्मूला नहीं है, आप ऐसे सीधे कंसेप्ट वही ना समझो। जबरदस्ती के इसने कितने बहुत ही फार्मूला बन जाएगा, थोड़ा बनाना चाहो, बराबर त्रिज्य खंड ले लो, कम ज़्यादा ले लो, अलग अलग बहुत बन जाएगा। आप ये सब ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। अलग अलग कोचिंग में अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अगर टीचर अलग अलग पढ़ाता है, आप सीधे से इतना याद रखो, जानते ही हो गए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सेंटर पर कितना, चारों तरफ कोण कितना? 360। 360 का कोण कितना बनाएगा? पाई आर स्क्वायर पे एक डिग्री बनाएगा। पाई आर स्क्वायर पे 360 जितने का निकालना है आराम से निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। अगर इसमें, अगर वृत्तखंडों में एक और वृत्तखंड बना देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा गोचा वोचा हो गया। ये देखिए वृत्तखंड है, क्या है मेरे भाई? वृत्तखंड। अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ से इसे मिला दूँ, क्या है मिला दूं, तो यहाँ पर एक ट्रेंगल बन गया। ये देखिए त्रिभुज। कभी कभी ना इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछे तो आसान नहीं हो जाएगी। यहाँ का एंगल दिया रहेगा, मान लो थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। ये दोनों त्रिज्या, त्रिज्या तो समान ही होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर, उसके बीच का कोण जितना रहेगा साइन थीटा। तो याद रखिएगा इससे हमको इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तब क्या करेंगे? तो हमको त्रिज्य खंड निकालना पड़ेगा। थीटा डिग्री का त्रिज्य खंड ऐसे आ जाएगा। तो जब त्रिज्य खंड निकाल लेंगे तो उसमें इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा? आंसर आ जाएगा, लगता है इसमें कह रहा है 225 डिग्री 15 मिनट में समकोण, समकोणों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? समकोणों की संख्या। पहले हमको कोण तो पता हो, कोण कितना है। जैसे आप देखिए, अगर हमको 360 डिग्री दे दिए, इसमें हमसे कहे कितने समकोण हैं, तो भैया एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 से भाग लगाएंगे कितना समकोण आ जाएगा? 4। तो 360 में कितने समकोण? 4। इसमें सबसे पहले कोण तो पता हो, फिर समकोण क्या करना है? 90 से भाग लगा देंगे। तो कोण इसका पता करना है, तो 225 ये है अपना 225, उसमें 15 डिग्री को मिनट में बना लेते हैं, 60 से भाग लगाएंगे, 15 चौक 60, 1/4 आ गया। तो ये आ गया 225 डिग्री प्लस में 1/4। अब ये पूरा डिग्री में हो गया, इसमें समकोण बनाना है, क्या करते हैं? 90 से भाग लगा देंगे, इतने समकोण होंगे। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा है, और हल कर लेते हैं। तो 225 बटे 90 अलग कर दिए, और जब इसको अलग कर दिए तो 9 जो 36 360 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 360 हो गया। अब देखिए इसको भाग लगाते हैं, 9 × 2 = 18, दो बार तो जाएगा ही जाएगा। दो इसका जो पूर्ण भाग है अलग कर लिए, बाकी जो भिन्न वाला पार्ट पड़ता है पड़ेगा उसको अलग कर लेते हैं।
हम क्या कर रहे हैं, इसमें भाग लगा रहे हैं। 9 × 2 = 1880 हो गया, दो बार तो जाएगा ही जाएगा, तीन बार लगाएंगे 9 × 3 = 70, 270 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 × 2 = 1880 आएगा, दो बार चला जाएगा, कितना बचेगा 45। 45/90 हम क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब ये भिन्न वाले पार्ट को अलग जोड़ देते हैं और ये पूर्ण वाला पार्ट अलग रहेगा। इसका एलसीएम कितना ले लेते हैं, 360 का एलसीएम, ये चार बार में काटेगा, 45 × 2 = 90 × 2 = 180, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 प्लस में एक, तो ये 2 + 181/360, इसको चिपका के लिख देते हैं यानी कि सटा के लिख देते हैं, 2 = 181/360, ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने समकोण कौन वाला आंसर हो जाएगा, हाई चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। तो समकोणों की संख्या पूछे तो पहले कोण पता कर लो कितना है, उसमें 90 से भाग लगाओ, समकोणों की संख्या आ गया। यहां देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 11/1/9 मिनट का समय तक करने में मिनट वाली सुई कितने कोण घूमेगी। मिनट वाली सुई इतना मिनट तय करने में कितना कोण घूमेगी भाई पूछा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो मिनट वाली सुई है एक मिनट में कितने कोण घूमती है भाई, 6 डिग्री, इसके पहले की वीडियो में बना रखे हैं। तो कितना मिनट है, 99/100, 100 मिनट में देख लेते हैं, तो 100/9 कर देते हैं, गुणता 6 कर देते हैं, इतना मिनट घूमेगी, ये काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तो नहीं है, 6 × 3 = 9, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200/3 आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरा ये डिग्री में आएगा, कितने आएगा डिग्री में, पूरा पूरा हल करेंगे, 3/18, 3/18, ये डिग्री पूरा हो गया, अभी 2 बचा हुआ है, 2 डिग्री है, इसको मिनट में बनाना है, 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये मिनट में आ गया, अब 3/3, 3 × 6 = 20 आ जाएगा, 20 × 2 = 40, 66 डिग्री 40 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन वाला आंसर है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1050 का कोण किस पाद में होगा, कितना मेरे भाई, 1050 का कोण किस पाद में होगा, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में बताना है। तो हम क्या जानते हैं मेरे भाई, ये चतुर्थांश जो होता है ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 आएगा, जरूर पता नहीं क्या हो जाता है, 180 270, और यहाँ कितना आ जाएगा, 360, यानी कि अगर यहाँ से घूमना ऐसे ऐसे शुरू करें तो 360 पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर फिर से ये एक चक्कर और मार दे तो 360 नहीं 720 हो जाएगा, फिर से एक चक्कर और कटवा देते ससुराल से, कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, कितना मेरे भाई, 1080, और ये है कितना, 1050, अगर ये तीन चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता तो कितना आता, 1080 यहाँ पर आ जाता, लेकिन है कितना, 100 है, सवाल है ना, यहाँ लगाते हैं उसका उसमें लगा देंगे, तो एक अरे देखिए ना, 1080 अगर तीन चक्कर पूरा पूरा काटेगा तो 1080 आ जाएगा, है कितना, 1050 है, घटा देते हैं, कितना आएगा, 0 30, मतलब 30 कम, अगर मैं इसमें 30 घटाऊं तो ये कौन सा चतुर्थांश आएगा, 30 घटाएंगे तो ये पूरा 90 होता है ना, एक चतुर्थांश कितने का होता है, 90 का होता है, 30 घटाएंगे तो इसी में रह जाएगा, ये कौन सा होता है, चतुर्थ इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस लगा है, माइनस के लिए सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, बशर पे जैसे हम इधर से चल रहे थे इसमें इधर से चलेंगे, किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, यानी कि क्लॉक वाइज चलेंगे, 0, 90, 180, 270 और ये 360, एक चक्कर काटा, इधर से घुमाएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा इधर से, कितना, क्योंकि ये माइनस में है तो उल्टा ना चलेगा, तो कितना, 360, दो चक्कर 720, तीन चक्कर 1080, अगर चार चक्कर काटेगा तो 1440 आ जाएगा, चार चक्कर है नहीं, तीन चक्कर से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है उसको देख लेते हैं, 1080 इसमें देख लेते हैं, 1080, तो देखते हैं ये 0 आ गया, और देखिए जब घटाएंगे तो माइनस चिन्ह भूल जाएंगे, जब घटाएंगे माइनस चिन्ह भूल जाएंगे, क्योंकि हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो माइनस को हम कवर कर चुके हैं पहले से, अब ये माइनस लेके मत चलिएगा, कहोगे थोड़ा घटा रहा है, इसको घटाएंगे तो जुड़ जाएगा दोनों, तो ये 0 आ गया और ये 2 आ गया, 200 का एंगल बन रहा है, 90 इसमें छूट गया, यहां तक आ गया था ना वो, 90 इसमें 180, 180 में कितना बचा है, 20 और बचा है, तो हेल के किस में आ जाएगा, इसमें द्वितीय चतुर्थांश में, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। कुल मिला के मोटा मोटा ये याद रखिए, अगर प्लस में दिया रहेगा तो सीधे सीधे चलेंगे, इधर से सीधे सीधे यानी कि एंटी क्लाक वाइज देखे चेक करेंगे, और जब माइनस में दिया रहे तो क्लाक वाइज चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।